लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था 13, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। ट्राइंगल का ए बी साइड कितना दिया गया है? 2a+1 सेंटीमीटर। BC साइड कितना दिया गया? a+1 सेंटीमीटर, करेक्ट। और क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस पे कह रहा है जो एंगल भी 90 डिग्री है, तो एंगल भी हम 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसमें जो ए बी साइड है, ए बी साइड क्या दे रखा है? 2a+1, 2a+1 सेंटीमीटर। और बी सी साइड कितना दे रखा है? a+1 सेंटीमीटर, तो अगर हम देखें तो ये हमारा ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये हमारा ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। और क्वेश्चन में एरिया का जो क्वेश्चन, ट्रायंगल का एरिया वो दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू एक्स, जो हमारा वैल्यू में ए दे रखा है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, करेक्ट। एरिया कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है? 60 इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस वन इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 2x+1, करेक्ट। सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये 2 हमारा डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो गया 60 × 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये हमारा हो जाएगा 2x² + फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस, अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2x+1, करेक्ट। बाय 1 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो गया 60 × 2 120, 2x² + 2x + x 3x+1, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, हम 120 को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, 2x² + 3x+1 - 120 इज इक्वल टू 0, बाय 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा 2x² + 3x-, अब ये माइनस होगा तो हमको पता है कि जो हमारा ग्रेटर वैल्यू होता है साइन उसी का लगता है, तो 120 हमारा ग्रेट है, इसका मतलब ये हमारा माइनस हो जाएगा, बस साइन हमारा ग्रेटर वैल्यू का लगेगा, माइनस होके 119 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या होता है कि हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके फैक्टर करते हैं, जिसका प्लस होके या माइनस होके, जो हमारे दो फैक्टर आएंगे वो प्लस होके या माइनस होके हमारे इस नंबर का इक्वल होना चाहिए, मतलब जो हमारा इसका न्यूमेरिक डिजिट है 3, इसके इक्वल होना चाहिए प्लस होके या माइनस होके, करेक्ट। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1119 × 2 कितना हो जाएगा, 238, ठीक। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, पहला तो हमारा 17 का मल्टीप्लाई होगा, है ना,
तो 17 देख लेते हैं हम, 17 7 जब 119 होता है, करेक्ट, तो ये हो गया 17 इंटू 7, ये हो गया 7 इंटू 17 इंटू 7, तो 17 इसका बाहर आ गया, 7 अभी बचा हुआ, 7 टू जा 14, तो फैक्टर हमारे क्या क्या हो गए इसके, 17 और 14। अब देखो 17 से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 3 बच रहा, करेक्ट, तो यही हो जाएगा हमारा 2x² प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 17 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 119 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 17x माइनस 14x माइनस 119 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा, अगर इसकी हम बात करें तो यहां से कॉमन कितना आ रहा, x² वो x² नहीं, x सिर्फ कॉमन आ रहा, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, बस कितना रहा 2x प्लस 17, भाई 2x प्लस 17 बचेगा, माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा 7 कॉमन आ रहा, 7 कॉमन कर लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 7, जब इसमें से कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2x, अब ये माइनस लगाओ जब इसको हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा कितना 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या बन जाएंगे, एक तो हमारा हो गया x माइनस 7, दूसरा क्या बन जाएगा 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं 0 से, ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 17, एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 बाई 2, जो पॉसिबल नहीं है, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 7। ठीक, अब हमारा एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया, तो अगर हम साइड फाइंड कर लें, अब अगर हम साइड ए बी की बात करें, कितना आ रहा है 2x प्लस 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, करेक्ट, और अगर हम बी सी साइड फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1, 8 आ गया, ये साइड हमारा 15, ये साइड 18, ये साइड कितना आ गया 8 आ गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं इसका, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 15 है 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, 225 प्लस 8, 8 जा 64, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 549, 268, 289, ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 289, करेक्ट, ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, जो हमारा 289 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो एसी हमारा आ गया 17। अब हमको क्या बताना, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब एबी प्लस बीसी प्लस एसी, करेक्ट, सभी साइड हो गए, एबी हमारा कितना है 15 प्लस बीसी 8 प्लस ए सी 17, ऐड कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 8 5 8 13 13 7 20 कैरी 2 11 2 22 4 40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर, करेक्ट, तो ये हमको फाइंड करना था।